Hey guys, what's up? This is Shuri from eGadgets for you. और इस वीडियो में आइए चलिए देख लेते हैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक न्यूज जो कि चल रहा है इंडिया में। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं थोड़ा साउंड ऑकवर्ड कर रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई एम अ बिट अंडर द वेदर। मूविंग ऑन, सैमसंग ने कल लॉन्च किया है सैमसंग गैलेक्सी J5 Pro। ये J5 2017 वेरिएशंस का बाद वाला वेरिएशन है या फिर सक्सेसर है सैमसंग गैलेक्सी J5 Pro। इस हैंडसेट कल ही अनवील हुआ है थाईलैंड में, ये अवेलेबल हो गया है सेल के लिए अभी, बाकी कंट्रीज में भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा, इंडिया भी फॉलो सूट करेगा। बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो ये सैमसंग गैलेक्सी J5 Pro में आपको 5.2 इंच का स्क्रीन साइज मिल जाएगा, HD डिस्प्ले मिलेगा, 1280x720 पिक्सल रेजोल्यूशन सपोर्ट होगा, सुपर AMOLED स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा आपका। इसमें सैमसंग एक्सिनोस 7870 का चिपसेट है जिसमें ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है 1.6 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड में, GPU Mali T830 का होता है इसमें। इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज अप टू 256GB मिल जाएगा और डुअल सिम सपोर्ट करता है अलग से। बात करें कैमरे की तो इसमें 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा एंड 13 मेगापिक्सल बैक कैमरा है। बैक कैमरा की फोकल एपर्चर f/1.7 है और फ्रंट कैमरा की f/1.9 है। सैमसंग गैलेक्सी J5 Pro में 3000 mAh बैटरी है, 4G वोल्टेज सपोर्ट है, GPS, मिनी USB पोर्ट, वाईफाई सारा कुछ सपोर्ट मिल जाएगा आपको। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होता है जो कि होम बटन पे एम्बेड रहता है। ये एंड्रॉइड नॉगट के ऊपर रन करता है सैमसंग गैलेक्सी J5 Pro। बहुत ही जल्द ये इंडिया में भी आ जाएगा, तब हम सभी को मिल भी जाएगा अगर आप पोटेंशियल बायर होना चाहते हो ये हैंडसेट का। तो दोस्तों, बात है मोटो E4 Plus की। मोटो E4 Plus सुनने में आया है कि 21 जुलाई को यह अनवील होगा इंडिया में। ऑलरेडी ऑफिशियल इन्वाइट भी भेज चुका है ये हैंडसेट के लिए। जैसा आप सभी को पता है कि मोटो E4 लॉन्च हुआ था ये साल में, अब जाके मोटो E4 Plus भी लॉन्च होगा दोस्तों। तो बेसब्री से इंतजार है ये हैंडसेट का भी, क्योंकि ये एक लो रेंज हैंडसेट है। बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो मोटो E4 Plus में आपको 5.5 इंच का स्क्रीन साइज मिल जाएगा, HD डिस्प्ले मिलेगा जिसका रेजोल्यूशन 720x1280 पिक्सल्स का रहेगा। इसमें आपको 2GB रैम मिल जाएगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 427 चिपसेट रहेगा, क्वाडकोर का प्रोसेसर 1.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड में मिल जाएगा, रेयर कैमरा 13 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल होगा, एंड्रॉइड नॉगट के ऊपर रन करेगा। सबसे बड़ा यूनिक फीचर जो है मोटो E4 Plus का कि इसमें 5000 mAh बैटरी भी रहेगा। हम लोग को देखना पड़ेगा जब ये अनवील होगा तब ऑफिशियली क्या क्या कंफर्मेशन और आता है ये हैंडसेट के साथ। दोस्तों, अगला न्यूज है रिलायंस जियो से। रिलायंस जियो सुनने में आया है कि एक बहुत ही जल्द फीचर फोन ला रहा है सिर्फ 500 रुपीज में। हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी देकर इसका प्राइस 500 रुपीज कर दिया है। फीचर फोन अभी ऑलरेडी मैन्युफैक्चर में है, चाइनीज एक कंपनी ये फोन को मैन्युफैक्चर कर रहा है। सुनने में ये भी आया है कि 4 to 5 million यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर चुका है रिलायंस जियो और शायद ये अनवील भी हो जाएगा बहुत जल्द। 21 जुलाई जब एनुअल जनरल मीटिंग है रिलायंस जियो का, उस टाइम पे ये फीचर फोन रिलीज होने का उम्मीद भी है दोस्तों। सिर्फ यही नहीं, ये फीचर फोन के साथ बहुत सारा अच्छा अच्छा प्लान्स भी आएगा रिलायंस जियो के नंबर से। अब ये देखना लायक होगा सिर्फ 500 रुपीज का एक फीचर फोन उसके साथ क्या क्या प्लान्स लाता है रिलायंस जियो, और ये फोन लाइव ब्रांडिंग के ऊपर ही लॉन्च होगा दोस्तों। दोस्तों, अगला न्यूज है ओला से। जैसे हम सभी को पता है कि ओला इंडिया का नंबर 1 e-taxi सर्विस प्रोवाइडर है। अब दोस्तों, सुनने में ये भी आया है कि ओला प्लान कर रहा है एक्सपेंशन के लिए। हाँ दोस्तों, आफ्टर 100 cities टेक ओवर इन इंडिया, ओला प्लान कर रहा है इंटरनेशनली। फिलहाल के लिए श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में ओला का सर्विस आ जाएगा बहुत ही जल्द। और दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, पहले मैं भी वीडियो बनाया था कि Honor 8 Pro आज मतलब 6 जुलाई लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। Amazon एक्सक्लूसिव रहेगा Honor 8 Pro। तो आज अगर आप देखते हो या अनवील इंडिया में, उसके बाद आप सभी को पता चल जाएगा कि इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या होगा और क्या क्या फीचर्स के साथ ये आएगा इंडिया में। सो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए। जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही ट्रेंडिंग टेक न्यूज जो कि चल रहा है इंडिया में डेली पाना चाहते हो, तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑन करना मत भूलना। अगर आपका कोई भी क्वेरी या कॉमेंट हो, या आप कॉमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, या फिर आप ट्विटर, फेसबुक या Google+ में भी पोस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ यूज करना पड़ेगा #eGadgetsForYou। So that will be it guys. Bye for now.